ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम टैनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम टैनिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों अभी जो आपने स्टार्टिंग में देखा था फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों इस एडिटिंग में जो भी मटेरियल्स का यूज हुआ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देन उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद चलना फोल्डिंग के स्क्रीन पर, ओपन करना है VN एप्लीकेशन को और फिर कैनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से आप ये एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैनमास्टर वर्क कर रहा है तो आप उससे इसका यूज़ कर लीजिएगा। तो VN एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। सो इस VN एप्लीकेशन ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, प्लस के में टैप करेंगे, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे तब तक के लिए कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं तब तक के लिए इसी को सिलेक्ट करके एरो पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से आ गया। अभी ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सोलोना को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे ये वाला जो है इसे आपको यहाँ पे ये प्लस का जो आइकन देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा और मटेरियल पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे ब्लैक वाला या व्हाइट वाला कोई भी तब तक के लिए सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लैक वाला ही कर लेते हैं। इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ाकर थोड़ा आगे कर लेना, वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना, लास्ट में लोगो आएगा उस लोगों को भी डिलीट कर लीजिएगा। ये पॉइंटर आप उतना ही दूर रखिएगा जितना टाइम का स्टेटस बनाना चाहते हो। तो मैं तब तक के लिए यहाँ पे 10 सेकंड कर देता हूँ, उतना ही बनाकर दिखाता हूँ मैं, आप पूरा बना लीजिए जितना टाइम बनाना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो प्लस का आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे वीडियो और फोटो पर क्लिक कीजिएगा। आप फोटो में चले जाइएगा, आप अपना मॉडल फोटो ले लीजिएगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ये वाला बॉय का इमेज ले लेता हूँ, देन इसके ड्यूरेशन को खींच कर इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेते कितना इतना पे यहाँ पे रहेगा, ये ऊपर देख सकते इतना पे कट रहा है और नीचे इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं परफेक्ट। अब इसके ड्यूरेशन को बढ़ाकर लास्ट तक कर लीजिएगा। करने के बाद स्टार्टिंग में ये वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, वीडियो एंड फोटो पे जाइएगा। फोटो में जाने के बाद लाइट वाला जो PNG आपको मैंने दिया था उसे ले लीजिएगा, देन इसे इस तरह से जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे सेट कीजिएगा, इसके ड्यूरेशन को लास्ट तक कीजिएगा और फिर इसे स्क्रॉल करके इस तरह से स्लाइड कर दीजिएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। अब अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए जहाँ पे भी रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाइएगा, एडजस्ट में चले जाइएगा, देन इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा तो हुई वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा और इसका कलर जो यहाँ पे ग्रीन कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ग्रीन हो गया। देन यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक करने के बाद फिर से वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, वीडियो और फोटो में जाइएगा और PNG में मैंने एक तो कलर PNG दिया था आपको, ये वाला इसे ले लीजिएगा। देन इसे जूम कीजिएगा, इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इतना पे रहने देता हूँ परफेक्ट, इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ मैं हल्का सा, तो इस तरह से आप भी रख लीजिएगा, सही लग रहा है। अब इसके ड्यूरेशन को बढ़ाकर आगे तक कर लेंगे। अब स्टार्टिंग में आएंगे, फिर से वाली ऑप्शन टैप कीजिएगा, वीडियो एंड फोटो में जाइएगा। फोटो में जाने के बाद आपको एक लाइट वाला जो PNG इसे ले लीजिएगा, इस तरह से इसे रखिएगा यहाँ पे और इसके ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिएगा आगे तक और इसे भी स्लाइड करके आपको इस कलर के नीचे कर लेना है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा छोटा बड़ा करके आप एडजस्ट कर लीजिए, जहाँ पे रखना चाहते हो उस तरह से रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 लेयर हो चुका है, अब एक लेयर और आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको इस वीडियो को सेव कर लेना। सेव करने के लिए ऊपर एरो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दीजिएगा तो ये वीडियो फटाक से सेव हो जाएगा। तो बस मेरा छोटा सा था इसलिए जल्दी से सेव हो रहा है, थोड़ा आपका बड़ा होगा तो थोड़ा टाइम लेगा, तो बस इसे सेव होने तक वेट करना है आपको। इसके सेव होने के बाद फिर से थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, क्योंकि 5 लेयर से ज़्यादा एक बार हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट करना होगा, यूज़ करना होगा। तो फिर से सेव वीडियो पर क्लिक करेंगे, ये सेव हो गया, देन प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे जो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी आपको फिर से ऊपर वाले ये वाले ऑप्शन टैप करना है, टैप करने के बाद वीडियो और फोटो में चले जाना है और फोटो में जाने के बाद यहाँ पे फ्रेम वाले ऑप्शन को टैप कीजिएगा, टैप करने में कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे इस साइड में स्लाइड करके और इतना पे रख लेते हैं, जो यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है आपको, तो यहाँ पे ये परफेक्ट है, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे सही से एडजस्ट हो गया, देन इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है, तो जितना टाइम का वेस्ट बना रहा है उतना टाइम कर लीजिएगा और ये वाले ब्लैक स्क्रीन जो है सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा परफेक्ट। अब यहाँ प्लस का आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक कीजिए, फोटो पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक करने के बाद इस तरह से नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, जो भी पिक्चर यहाँ पे लगाना चाहते हो उस पिक्चर को सिंपली ले लीजिएगा। तो तब तक के लिए मैं इसी वाली पिक्चर को लगा लेता हूँ। लगाने के बाद इस साइड में स्क्रॉल करेंगे, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ पे और ये रहा क्रॉपिंग वाला ऑप्शन जिस पे, और यहाँ पे आप रेशो सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं 2.3 सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद ये वाली फ्रेम पे लेकर आएंगे और इसे थोड़ा छोटा करके बड़ा करके आप एडजस्ट कर लीजिए, जितना भी यहाँ पे एडजस्ट हो जैसे, तो इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। देन इसके ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लीजिएगा जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया। करने के बाद ये वाली पॉइंटर को सिलेक्ट करके इसे नीचे कर लीजिएगा, तो देख सकते हो फ्रेम के नीचे एकदम से सेट हो गया। और स्क्रीन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे फोटो जो हमारा एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है। अब ये वाली ऑप्शन टैप कीजिए, वीडियो और फोटो पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया था तो उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाला वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। देन सबसे पहले इसका कलर हम चेंज करते हैं, तो फिल्टर में चलते हैं, चलने के बाद एडजस्ट में जाएंगे, एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे हुई पे चले जाएंगे, हुई पे जाने के बाद अपने अकॉर्डिंग आप रख लीजिए जो भी कलर रखना चाहे। तो मैं यहाँ पे ग्रीन रख लेता हूँ, देन राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इस साइड में आइएगा, फिल कर दीजिए, पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा, ब्लेंडिंग पे जाकर यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिएगा जो कुछ इस तरह से आएगा, राइट क्लिक कर लीजिएगा परफेक्ट, सारी एडिटिंग यहाँ पे कंप्लीट है। अब ये वाली ऑप्शन टैप करना है, टैप करने के बाद आपको सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आ जाना है, यहाँ से बैक करते हैं एकदम स्टार्टिंग में, और ये वाली ऑप्शन टैप करो, वीडियो और फोटो पे चले जाना है। अब यहाँ पे एक लिरिक्स वीडियो ले लेना, जो भी सॉन्ग पे स्टेटस बनाना चाहते हो उसका लिरिक्स ले लीजिए। तो मैं तब तक के लिए इसी को ऐड कर देता हूँ, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है।
देन ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे लाइटिक्स वीडियो जो देख सकते हैं, तो इसे आप एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे तब तक के लिए इसे ऐड कर देता हूँ। ये परफेक्ट एकदम लास्ट तक है ही, तो आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, स्क्रीन पर टैप करना है, ये वाली ऑप्शन टैप करके वीडियो फोटो पर जाना है। फोटो में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बॉर्डर का PNG आपको ले लेना है, देन इससे भी फिर स्क्रीन कर लेना। करने के बाद इसके ड्यूरेशन को आपको स्क्रॉल करके लास्ट तक कर देना, तो कुछ इस तरह से आगे बस स्टार्टिंग में आकर यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला जो बॉर्डर है, बॉर्डर का आप लास्ट में देख सकते हैं ये कट रहा है थोड़ा सा, तो अगर आप चाहे तो फिंगर की मदद से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे रखकर आगे खींचना होगा। नहीं फ्रेंड्स ये सही है, मेरा ग्लास की प्रॉब्लम की वजह से मुझे दिख नहीं रहा, तो इसे फिल कर देते हो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा, जो कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे सारी एडिटिंग हो चुकी है, प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको अभी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो साउंड के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो को लाइटिंग वीडियो जो है इसे सेलेक्ट करना है, और इस साइड में माइक का ऑप्शन आपको दिखेगा ये वाला, इसे सेलेक्ट करके वॉल्यूम का बढ़ा दीजिएगा और राइट क्लिक कर लेते। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते, काफ़ी कमाल लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बट एक काम कीजिएगा, ये लाइटिंग्स वीडियो जो है उसे नीचे रख लीजिएगा, क्योंकि नीचे में खाली खाली सा लग रहा है, तो यहाँ पे हम इसे रख लेते हैं। आप प्ले करेंगे तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी कमाल लग रहा है। अब इस वीडियो को सिंपली सेव कर लेंगे फ्रेंड्स। सेव करने के लिए ऊपर एक एरो दिख रहा है, इस पर टैप कर लीजिए। टैप करने और इस यहाँ पे आप रेजुलेशन भी इसका बढ़ा सकते हो जितना रखना चाहे, APS भी बढ़ा सकते हैं और बिटरेट भी लो डिफरेंट हाई। इसके बाद ये वाले एरो पे क्लिक करके सेव एंड डोंट रिकमेंड अगेन पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये रिकमेंड आपको नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट ओरिजिनल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो वीडियो आपका सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत कम टाइम में आपका वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।